राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि जिला एवं सेशन न्यायाधीश कोटा सत्यनारायण व्यास थे। मुख्य अतिथि द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का विधिवत शुभारम्भ किया गया। कार्यक्रम प्रभारी अधिकारी अपर सेशन न्यायाधीश महिला उत्पीड़न प्रकरण संख्या 2 धर्मराज मीणा ने बताया कि जिला न्याय क्षेत्र में पदस्थापित न्यायिक अधिकारियों अभियोजकों और अधिवक्ताओं का 25 व 26 मई को नव अधिनियमित अपराधी कानून भारतीय नागरिक संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा पेंशन संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है जिसमें अभियोजन निदेशालय जयपुर द्वारा कोटा न्याय क्षेत्र में पदस्थापित 4 अभियोजन अधिकारियों का नाम चयनित किया गया है तथा राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी के निर्देशानुसार बार संघ कोटा द्वारा 13 अधिवक्ता गण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यरत चीफ डिफेंस काउंसिलर एवं सहायक डिफेंस काउंसलर सहित कुल 15 अधिवक्ता गण एवं कोटा जिला न्याय क्षेत्र में पदस्थापित न्यायिक अधिवक्ता गण भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी पवन शर्मा पॉक्सो क्रम 1 संदीप शर्मा श्रम न्यायाधीश वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र सिंह सोलंकी व श्रीमती सरिता त्यागी अभियोजन अधिकारी भी उपस्थित रहे।